हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनिट जो हमारी मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड, उसकी आज हमारी वीडियो की सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जा कर के इजिली हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम 100 के आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 101 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, इन ब्रिक मेसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय लेइंग अल्टरनेट लीहेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, 90 mm, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो इसके देखिए ऑप्शन ए एंड बी तो यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन सी एंड डी भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, ऑप्शन सी में दिया है हमारा 860 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स, और ऑप्शन डी में क्या दिया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, हेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक्यून क्लोजर इज ए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड द डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर द सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.5 ब्रिक थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोर्टार एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मेसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जॉइंट इन मेसनरी विच इज नॉर्मल। तो इसके ऑप्शन देखिए फ्रेंड आप, नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, क्रॉस जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोर्टार नॉर्मली यूज इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन आर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन ए स्ट्रेचर कोर्स इन एक्स टाइम द नंबर ऑफ जॉइंट इन द हेडर कोर्स वेयर एक्स इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग इन ईच कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन सैंडी सॉइल शुड नॉट एक्सीड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मोस्ट सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, रिप्लेस द पुअर सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फुटिंग विच इज यूज टू ट्रांसमिट हैवी लोड थ्रू स्टील कॉलम इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, ग्रिलेज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, 65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्राइविंग एट एन इंक्लिनेशन टू रेजिस्ट इंक्लाइंड फोर्स इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेटर पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर रॉक फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 65 to 100 mm हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाटर लॉक्ड सॉयल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ड्रेनिंग द सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सूटेबल फॉर यूज इन चर्चेस, थिएटर्स, पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर प्लेसेस वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायर्ड इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, कॉर्क फ्लोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड बी वाला हो जाएगा, राइज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डेप्थ और हाइट ऑफ आर्चेज इज द, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडॉस एंड एक्स्ट्राडॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइंगुलर स्पेस बिटवीन, एक मिनट, द ट्राइंगुलर स्पेस फॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्राडॉस एंड द ओरिजेंटल लाइन ड्रॉन थ्रू द क्राउन ऑफ एन आर्च इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, स्पैंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द लिंटेन आर प्रेफर टू आर्चेज बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, ऑल ऑफ द अबव, जो हमारा लिंटेन होता है आर्च की तरह प्रेफर क्यों किया जाता है, तो ये ऑप्शन तीनों आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन द कंस्ट्रक्शन, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा वेट करिएगा, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस सैंड बॉक्स मेथड यूज्ड फॉर, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे फ्रेंड, ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा है स्ट्रिकलिंग ऑफ सेंटरिंग, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटल और ओवर ए फ्लैट आर्च फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल एबव इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लैट आर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जॉइंट कॉमनली यूज एट द जंक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम इन टिम्बर ट्रसेस इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, ऑब्लिक मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रूफ सुटेबल इन प्लेन्स वेयर रेनफॉल इज मिजर एंड टेम्परेचर इज हाई इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, फ्लैट रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्ट एंड स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, कोस्टल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विथ ए ब्रेक इन द स्लोप ऑन इस साइड इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका सी हो जाएगा, गैम्ब्रेल रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंसर्ड रूफ इन रूफ विथ स्लोप इन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर डायरेक्शन विथ ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द ओरिजेंटल पीस प्रोवाइडेड एट द एपेक्स ऑफ ए रूफ ट्रस विच सपोर्ट द कॉमन राफ्टर इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, रिज बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर इज ऑफ द पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप डाउन इन इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, एप्स, ई ए वी ई एस, एप्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर पिच ऑफ द रूफ, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वन एंड थर्ड, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपल क्लोज रूफ इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम स्पैन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉलर बीम रूफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, देयर इज ए ओरिजेंटल टाई एट ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ राफ्टर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फंक्शन ऑफ क्लीट्स इन ए रूफ ट्रस इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, टू प्रिवेंट द पर्लिंस फ्रॉम टिल्टिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्ट्रिंग इज यूज फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, ए स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप इन स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ ए फ्लाइट सपोर्टिंग द हैंड रेल आर नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, नेवल पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन ए फ्लाइट शुड जनरली बी रिस्ट्रिक्टेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द नंबर ऑफ स्टेप इन ए फ्लाइट शुड नॉट बी लेस देन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ट्रेड एंड राइज मस्ट लाई बिटवीन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 400 to 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गुड स्टेयर केस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रिस्पेक्टिवली शुड बी, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड 40 degree and 25 degree। फ्रेंड जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में और SSC JEE RRB JEE जितने भी JEE लेवल के एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आने वाले एग्जाम है जैसे JEE के एग्जाम है उसमें बिल्डिंग मटेरियल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट बिटवीन टू फ्लोर इज 3 meter एंड राइजर इज 150 mm, एज्यूमिंग टू फ्लाइट्स बिटवीन द फ्लोर द नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाफ टर्म स्टेयर आर द स्टेयर विच चेंज देयर डायरेक्शन थ्रू, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड 180 degree। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग लेग्ड स्टेयर आर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हाफ टर्म स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ हे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ए शटर इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड बॉटम रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए मैक्सिमम डे लाइट द विंडो इन ए रूम शुड बी लोकेटेड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड नॉर्दर्न साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 10 DS 20 DS रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी सिंगल शटर डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजाइनेशन ऑफ द फ्रेम्स ऑफ डोर विंडो एंड वेंटिलेशन शोज देयर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड, इसमें देखिए तीन ऑप्शन दिए हैं, इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसमें जो डिजाइनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ डोर विंडो एंड वेंटिलेशन शोज देयर, तो फ्रेंड ये तीनों पर डिपेंड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1, 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा तीनों। तो ये देखिए ऑप्शन किसमें दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्रम क्या होता है, फर्स्ट वाला देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग, फर्स्ट वाला पहले विड्थ होती है, फिर टाइप्स कौन सी है, फिर उसकी हाइट पे, तो इसका करेक्ट जो क्रम हो जाएगा हमारा फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ ए डोर फ्रेम्स एंड ए विंडो फ्रेम रिस्पेक्टिवली आर, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 and 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सील ऑफ ए डोर फ्रेम विच आर इम्बेडेड इनटू द साइड वॉल फॉर फिक्सिंग द फ्रेम आर नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड हॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ ए पिच्ड रूफ इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉर्मर विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू टॉप रेल द बॉटम एंड लॉक रेल इन ए डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा वाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग लेफ्ट इन फ्लैट रूफ फॉर लाइटिंग पर्पज इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लेंटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन एन एयर कंडीशनड बिल्डिंग इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड रिवॉल्विंग डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिनिमम इलांगेशन ऑफ स्टील फॉर FE 250 and FE 415 रिस्पेक्टिवली शुड बी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 23% and 14.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो मैच मिलान टाइप का है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारे सेकंड वाले के साथ मैच होगा, बी वाला ऑप्शन है हमारे फर्स्ट वाले के साथ मैच होगा, एंड जो सी वाला ऑप्शन है हमारा थर्ड वाले के साथ मैच होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, तो इसका करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड ऑप्शन बी है, ग्लास इज अनअफेक्टेड बाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है फ्रेंड, तो इसमें कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा नन ऑफ दी एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज कॉज्ड बाई वेपराइजेशन ऑफ इंट्रैप्ड मॉइस्चर और सॉल्वेंट इन ए पेंटेड सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड। एक्सटेंडर्स आर एडेड टू द पेंट बॉडी टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इंक्रीज द वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमारा मैच करना है, मिलान करना है फ्रेंड, तो इसको भी आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, इसका सी वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है टू के साथ मिलेगा भाई, बी वाला थ्री के साथ, सी वाला वन के साथ, डी वाला फोर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टिम्बर इन द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज वेन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द सेल वॉल्स आर सेचुरेटेड विथ वाटर एंड सेल एक्टी सेल कैविटी कंटेंस नो वाटर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लेग्ड एरियाज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, सीमेंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट द गॉज्ड मोटर शुड बी यूज्ड विद इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 to 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एट्रिशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए मैच टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे। ये देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज 93 का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऑप्शन बी करेक्ट लगा लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन टिम्बर आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ है ये हमारा करेक्टली मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी टाइप का है, तो इसको भी देख लीजिए आप। बड़े बड़े क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको मैं बता के वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको भी आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टू एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस तो फ्रेंड इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेस, जो हमारी सरफेस होती है, जैसे आप ब्रिक है ना, इसमें अब देखिए आप लगातार पानी उनी लगा ब्रिक में पानी उनी लगा रहता है बहुत ज़्यादा समय तक, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद सी परत आ जाती है, तो जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड एक इसकी वजह से होता है, जो हमारे ब्रिक में ब्रिक मैन्युफैक्चर यानी कि बनाते समय उसका उसमें जो कुछ अमाउंट में साल्ट रह जाता है या सोडियम, आप सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, तो फ्रेंड उसकी वजह से जो जब हमारा ब्रिक वाटर के कांटेक्ट में आता है लंबे समय तक के लिए, तो वो हमारा सफ़ेद सा एक आप कह सकते हैं उसके ऊपर लेयर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, इसको आप ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेज, मैं बताया ना वाइट पैचेज जो उसके सतह पर एक वाइट लेयर बन जाती है वही इसमें लिखा है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच टाइप का है, तो इसको भी आप देख लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसमें देखिए एक तरफ लेबोरेटरी टेस्ट दिए हैं, एक तरफ आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ये जो हमारा विकेट ऑपरेटस है ये हमारा किस लिए यूज होता है फ्रेंड, जो विकेट ऑपरेटस है वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए यूज होता है, और जो हमारा ली चैटेलियर ऑपरेटस है ये हमारा फ्रेंड आपका यूज होता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए यूज होता है। स्लम्प टेस्ट हमारा किस लिए यूज होता है, स्लम्प टेस्ट हमारा वर्केबिलिटी निकालने के लिए यूज होता है कॉन्क्रीट का, ठीक है। अभी आप आगे एक सब्जेक्ट आएगी आपकी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें आप पढ़ेंगे स्लम्प टेस्ट जो हमारा होता है कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी निकालने के लिए यूज होता है।
और जो हमारा फाइननेस मॉडुलस होता है ऑप्शन डी में देखिए, फाइननेस मॉडुलस जो होता है हमारा वो रिलेटिव साइज ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवेन इन्वायरमेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टोटल श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रेफर टू थिन प्लैंक ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट विच इज यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट विच इज टर्न इज यूज फॉर पर्पज अदर देन वियरिंग सर्फेस शुड नॉट एक्सीड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेडियम स्टील इज नॉर्मली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सेल एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच टाइप का है, इसको भी आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नियोप्रीन इज सुटेबल फॉर यूज इन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बियरिंग ऑफ ब्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सेकंड एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट है। देखिए सेकंड क्या है, ब्लेंड द सॉयल विथ क्ले और सैंड एज डिमांड एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, ये वाला और ऑप्शन फोर्थ दोनों करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें देखिए टाइप दिया हुआ है और समझ लीजिए एक तरह से एग्जाम्पल है, इसमें देखिए जो सैंड स्टोन है क्या हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, नहीं, लाइम स्टोन है वो हमारा सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है, एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें करेक्टली मैच करना है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, लाइम स्टोन है जो हमारा सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस लो इट सीमेंट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, C3A। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच टाइप का है फ्रेंड, तो इसको आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिए, एक तरफ आपका टर्म्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका ब्रीफ डिफिनेशन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी में देखिए क्या है, ए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब देखिए इसमें क्या है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन, तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है फ्रेंड, जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है वो हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंट बाई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, सर एबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एमोंग द मोर कॉमन वराइटीज ऑफ टिम्बर नेमली सैल मैंगो एंड डिओडार, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड, 1, 2 एंड 3, जो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों आए हमारे, ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ए में दिया 1, 2 एंड 3 करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड और क्लो, वुड और कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गुड सॉयल फॉर मेकिंग ब्रिक शुड कंटेन, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, अबाउट 30% एलुमिना होना चाहिए उसमें और ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, तो ये फ्रेंड ऑप्शन बी में दिया 1 एंड 3 करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन हार्डेंड कॉन्क्रीट इज 2, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फ्रेंड सी वाला हो जाएगा, 2 एंड 4 आर करेक्ट, जो सेकेंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन है, रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉफ्ट वराइटीज ऑफ पिग आयरन आर ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन, जो सॉफ्ट वराइटीज ऑफ पिग आयरन है उसको हम फाउंड्री पिग भी बोलते हैं और
ग्रे पी भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा फ्रेंड, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, फर्स्ट 10 सेकंड जिसमें दिया वो करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेस ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेस ऑफ सल्फर इन स्टील रिजल्ट्स इन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, 1 अलोन इज करेक्ट, जो हमारा ऑप्शन ए है, ए देखिए फर्स्ट वाला रेड शॉर्टनेस, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अलोन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट इज मेड मेड अप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, पावर्ड चॉक एंड रॉ लिंसिड ऑयल। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये 200 क्वेश्चन की जो हमारी वीडियो सीरीज थी वो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड ये हमने आपको टोटल मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो हमारी सब्जेक्ट थी उसके हमने 200 MCQ करवा दिए, अगर आप ये अपने एग्जाम में करके जाते हैं तो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक पर्टिकुलर बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन सारे फ्रेंड। तो अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, या तो बुक से बनाएगा या साइट से बनाएगा। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो की जो हमारी PDF है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड, तो आप वहाँ से जाकर के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हो सके तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा के और वीडियो के हिसाब से जो मैं करेक्ट आंसर बताया हूँ उसको आप लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।